हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैबिट मम्मी विद मम्मी। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही एक मज़ेदार रेसिपी जो आपके वेज के दिनों को बहुत ही स्पेशल बना देगा। और ये इतना अच्छा रेसिपी है जो आप एक बार बना के खाओगे तो आपको बार बार खाने को मन करेगा। तो चलिए, ये क्या है, कैसे है, मैं दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है केले का फूल। जी हाँ, ये केले का फूल क्या ही रेसिपी है, जो मैं इसको बीच के जो पार्ट है उसको मैं छील के, अच्छी तरह से छील के पीसेस करके काट लिया है। अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म होने दूंगी, थोड़ा सा हल्दी भी दूंगी और जो पीसेस मैंने काट के रखा था उसको थोड़ा सा बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। सारे पीसेस बॉयल लगभग हो चुका है तो मैं इसको स्ट्रेनर के जरिए पानी झड़ने के लिए रख दूंगी। अभी मैं यहाँ पे बाउल लूंगी और एक बैटर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच मैदा लिया है, हिसाब से नमक और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा चीनी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पानी देकर मैं एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। अभी बैटर को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अभी जो केले का फूल का जो मैंने पीसेस बना के रखे थे उसको मैं यहाँ पे डिप कर दूंगी। और यहाँ से डिप करने के बाद मैं फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके रखा था उसमें इसको छोड़ दूंगी। इसी तरह मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूंगी। एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है सब केले का फूल, तो मैं इसको अभी उतार लूंगी। अभी उसी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा और तेल देकर मैं यहाँ पे दे दूंगी थोड़ा सा जीरा और 1 तेज पत्ता। अभी उसके साथ मैं 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट दे दूंगी। पेस्ट, अदरक का पेस्ट को अच्छी तरह से चला लूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अभी सारे सूखा मसालों के साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और जब हो जाए तो मैं यहाँ पे हिसाब से पानी दे दूँगी। तो स्वाद अनुसार अभी नमक दे दूंगी और थोड़ा सा चीनी, क्योंकि ये वेज आइटम है, थोड़ा चीनी देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अभी ग्रेवी अच्छे से पक गया है, थोड़ा थिक भी हो गया है। अभी मैं केले का फूल का जो मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है और इतना सा ग्रेवी भी लगेगा क्योंकि यह बाद में इसको भी सोक कर लेगा। तो घी और गरम मसाला और हरी मिर्च देकर मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो कैसा लगा ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।